कोबरा का खून पीकर बुझाते हैं प्यास, पानी की जगह पीते हैं ओस की बूंदे, खाने में सांप बिच्छू और जहरीले जीव, जवानों की जिंदगी के लिए जद्दोजहद। जब जवान देश की सरहदों पर जागते हैं तब हम चैन की नींद सो पाते हैं, लेकिन आखिर ये जवान तैयार किस तरह किए जाते हैं शायद कम ही लोग जानते होंगे। आखिर इन जवानों का शरीर किस कठिन ट्रेनिंग के बाद लोहा बनाया जाता है इसका अंदाजा भी कम ही लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले आप दो तस्वीरें देखिए। इसमें एक तस्वीर कोबरा गोल्ड ट्रेनिंग की है जबकि दूसरी तस्वीर बीएसएफ ट्रेनिंग की है। कोबरा गोल्ड ट्रेनिंग थाईलैंड के जंगलों में कराई जाती है जबकि बीएसएफ की ट्रेनिंग हिंदुस्तान के टेनकपुर में होती है। आपको कोबरा गोल्ड ट्रेनिंग के बारे में बताने से पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के बारे में बताते हैं कि आखिर बीएसएफ का एक अफसर कितनी कठिन ट्रेनिंग के बाद एक कमांडो बन पाता है। टेनकपुर के बीएसएफ कमांडो स्कूल में 70 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एक अफसर कमांडो बनकर तैयार होता है। बिना हथियारों के दुश्मनों को मार गिराने से लेकर कई दिनों तक भूखे रह सकने वाले ये युवक देश सेवा के लिए तैयार होते हैं। ये अफसर ट्रेनिंग के दौरान जंगलों में 40 किलोमीटर पैदल चलने का प्रशिक्षण लेते हैं। यही नहीं, जंगल में कैसे सांपों और कीड़ों को मारकर भूख मिटाई जाती है और कैसे पत्तियों पर जमी ओस से प्यास बुझाई जाए, यानी विषम परिस्थितियों में जिंदा रहकर दुश्मन को कैसे खत्म किया जाए इसका प्रशिक्षण लिया जाता है। इन अफसरों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वे बिना हथियार के दुश्मनों का खात्मा कर सकें। महीनों खाना ना मिले तो जंगल में मौजूद सामग्री से ही कैसे पेट भरें। ट्रेनिंग का स्तर इतना कड़ा होता है कि कई युवक तो बीच में ही ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। चूंकि बीएसएफ में अफसर बनकर आगे प्रमोशन लेना है तो कमांडो कोर्स तो करना ही होगा, इसलिए हर अफसर मानसिक रूप से भर्ती होने के समय ही कमांडो बनने के लिए तैयार रहता है। टेनकपुर में बीएसएफ अकादमी की स्थापना के समय से ही कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। अभी तक इस कमांडो स्कूल से करीब 8000 अफसर ट्रेनिंग ले चुके हैं। यदि दूसरे पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स के अफसरों को जोड़ा जाए तो करीब 17000 कमांडोज यहां से तैयार किए जा चुके हैं। 70 दिनों की इस ट्रेनिंग के बगैर कोई भी बीएसएफ का जवान अफसर नहीं बन सकता है। सुबह का समय हो या रात, घना जंगल हो या मैदानी इलाका, यदि एक अफसर को बीएसएफ में आगे बढ़ना है तो कमांडो ट्रेनिंग लेनी ही होगी। ये तो बात हुई बीएसएफ की। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग कोबरा गोल्ड के बारे में। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तस्वीरों में दिख रहे जवानों के इस झुंड को देखिए। कठिन ट्रेनिंग के बाद ये अब खाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनका खाना और पानी देखकर आप हैरान हो सकते हैं। पानी की कमी को पूरा करने के लिए जवान कोबरा का खून पी रहे हैं और खाने में कोबरा जैसे खतरनाक सांप को काटकर खाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल युद्ध के दौरान सैनिकों को जंगलों, पहाड़ों और ऐसे दुर्गम स्थानों पर रहना पड़ता है जहां उनके लिए अपने जिंदा रहने के संघर्ष के साथ साथ दुश्मन पर हमला करने के लिए हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। कई देशों में विशेष सुरक्षा बलों और सैन्य कमांडोज को ये खास ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह की ट्रेनिंग लेने के लिए भी विशेष तैयारी की जरूरत होती है। सभी सैनिक इस तरह की ट्रेनिंग नहीं ले सकते, इसके लिए उनका चुनाव किया जाता है, तब विशेष फोर्स में उन्हें दाखिला मिलता है और फिर शुरू होती है कोबरा गोल्ड ट्रेनिंग। 1982 से यूनाइटेड स्टेट और थाईलैंड मिलकर इस ट्रेनिंग को करा रहे हैं। ये ट्रेनिंग थाईलैंड के जंगलों में कराई जाती है। इसका उद्देश्य है कि सैनिकों को हर परिस्थिति के लिए मजबूत बनाया जाए। इस खतरनाक ट्रेनिंग में उन्हें प्यास बुझाने के लिए कोबरा का खून पीना और भूख शांत करने के लिए जिंदा मुर्गे को चीरकर खाना सिखाया जाता था। कोबरा गोल्ड के तहत कई देशों के सैनिकों की ज्वाइंट एक्सरसाइज कराई जाती है। इसका नेतृत्व अमेरिकी मरीन करता है। थाईलैंड के कोनबुरी प्रांत के जंगलों में स्थित मिलिट्री बेस में 7 देशों के हजारों सैनिकों को जंगल में खतरनाक स्थितियों में जिंदा बचकर निकलने के तरीके बताए जाते हैं। ये एक्सरसाइज 11 दिनों तक चलती है। कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज में थाईलैंड के साथ ही अमेरिका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के सैनिक शामिल होते हैं। कोबरा के शरीर से रिसने वाले खून को बूंद बूंद कर सैनिक पीते हैं। हालांकि कई सैनिक ऐसा करने से मना भी कर देते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।